नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान हेलागुड़ के पास मलबा आने से भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग काफ़ी समय से बाधित रहा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी दी गई है और करीब 11 बजे यातायात के लिए दोबारा से सुचारू से किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर उपजिलाधिकारी भाटवाड़ी, आपदा प्रबंधक अधिकारी, पुलिस, SDRF मौके पर तैनात रहकर वाहनों का सुरक्षित आवागमन करा रहे थे। उत्तरकाशी में जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के बैनर तले पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेपर लीक भर्ती घोटाले और सहकारिता विभाग, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य सभी भर्ती घोटालों पर राज्यपाल से CBI जांच कराने की मांग की है। मैं आज हम सब लोग उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आजकल भर्तियां करी गई, उन भर्तियों में जिस ढंगकार जिस ढंग से उनमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस ढंग से इन भर्तियों में माफियों के द्वारा नकल करवाने का जो फर्जीवाड़ा सामने आया और जिसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा SDF को दी गई है, निश्चित तौर पर हम SDF की जांच से संतुष्ट हैं। हम लोग उनके जो ने त्वरित गहराई से जो कार्रवाई की और जो छोटी मछलियों को उन्होंने पकड़ा उसके लिए उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस बड़े जो आज उत्तराखंड के जो बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी आज मांग करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किए गए वादे के अनुसार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स के अंदर बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित प्रियाडिट ICU का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत किया जाएगा कि राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए ICU बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने हमारी कैबिनेट में ऊधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी जमीन आवंटित कर दी है। अग्निवीर भर्ती में सफल होने पर पौड़ी जिले के जबरटकाल विधानसभा के सतपुरी तहसील में 23 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर अपनी जान ले ली, जिसके बाद घर में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत गढ़वाल और कुमायूं मंडल में भर्ती आयोजन की गई है, लेकिन इस बीच भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में पौड़ी जिले के सतपुरी तहसील के अंतर्गत नौगवा कमंदा गांव में एक 23 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली है। कल के दिनांक में 25/8/2022 को हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक है, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, उनको सूचना मिली है कि नौगांव कमंदा तहसील सतपुरी क्षेत्रांगत एक गांव है, वहां पर एक लड़के ने, सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर ली है। पटवारी जी जो हमारे हैं वो फैमिली वालों से मिले हैं, हमारा विभाग वहां जाकर के मिला है उनसे, पर परिवार वाले कोई कार्यवाही नहीं चाहते। हरिद्वार के जगदीतपुर क्षेत्र स्थित मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही DGP अशोक कुमार को सस्पेंड किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में ईमानदार अधिकारी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। स्वामी शिवानंद ने कहा कि DGP अशोक कुमार को सस्पेंड कर ईमानदार अधिकारी को DGP बनाया जाए, जिससे कि कार्यों में सुधार आ सके। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में जो खनन नीति के सरकारी एजेंसियों के आदेशों को दरकिनार कर खनन किया जा रहा है, जिससे कई नष्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो खनन नीति के तहत खनन का मैनुअल खनन की परमिशन 1.5 मीटर थी, उसे 1.5 मीटर की जगह 3 मीटर कर दिया गया है और मैनुअल की जगह JCB कर दिया गया है, ऐसा क्यों है? उन
ईमानदार अधिकारियों के साथ एसटीएफ का गठन करें, जिसको कि फ्री हैंड दे दिया जाए तो ये मामला होगा, नहीं तो उत्तराखंड में कहाँ नहीं घोटाला हो रहा है। और उत्तराखंड में अच्छे इंस्टीट्यूशन को तो नष्ट करने के लिए यहाँ के संत महंत सब हैं, भगवान दास जैसे विद्यालय को नष्ट करने के लिए एक संत हैं बीरा उठा लिया है, तो यहाँ तो भर्ती। अब उसके लिए उसके संरक्षक में आरएसएस है, उसके संरक्षण में बड़े बड़े पदाधिकारी सब हैं, और जो ईमानदार निरपराध 100% सही व्यक्तियों को जो कर रहा है, कई पाप से बच जाएगा उत्तराखंड। सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार की देर रात 1 बजे बस्ती के मुडेरवा थाना क्षेत्र के खाजुवाला में हुआ। हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, उनका गोरखनाथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोतीलाल सिंह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर कैंप कार्यालय के मुख्यमंत्री के सभी कामकाज संभालते थे। मोतीलाल सिंह मूल रूप से ग्राम बुदनपुर कोयला आजमगढ़ के रहने वाले थे, वो गोरखपुर में सिविल लाइन स्थित में रहते थे। गुरुवार को अपनी पत्नी मीना के साथ वो नगर पंचायत मुडेरा बाजार चौरी चौरा के चेयरमैन सुनीता गुप्ता की स्कॉर्पियो गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे। गाड़ी में उनकी पत्नी भी थी। इसी दौरान बस्ती के मुडेरवा थाना के लॉल चौकी के पास कोई जानवर सामने आ गया, इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सवार मोतीलाल सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गोरखनाथ अस्पताल लाया गया। शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे मोतीलाल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारे मंदिर में मोतीलाल जी सिंह जो समस्या निवारण के लिए महाराज जी ने रखा था, दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि वो रात में लखनऊ जा रहे थे किसी उनके रिश्तेदार के में दुख में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। बस्ती के पास मुंडेरवा के पास रास्ते में नीलगाय आ जाने से गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई, जो पेड़ से टकरा गई, जिसमें उन्होंने गंभीर रूप से पत्नी घायल हो गए। फिर यहाँ गोरखनाथ चिकित्सालय में आए भर्ती हुए भोर में, और वहाँ हालत उनकी सीरियस रही है। आज प्रातःकाल 7 बजे उनका स्वर्गवास हो गया है। पत्नी के पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया है, उनका प्लास्टर वगैरह करा करके फिर वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। यह बड़ा ही दुखद समाचार है। मुख्यमंत्री जी के से जुड़े हुए जिला गोरखपुर होने की वजह से यहाँ पे उनकी नियुक्ति जन सामान्य निवारण अधिकारी के रूप में हुआ था। वो यहाँ पे समस्याएं सुनते थे। आज उनका निधन बस्ती के आसपास एक दुर्घटना हुआ है जिसमें उनका निधन हो गया है, और वो अपने यहाँ गोरखनाथ चिकित्सालय में भर्ती थे। सुबह करीब 6:30-7 के बीच में उनका निधन हो गया है, और उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उनका उपचार चल रहा है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव धालाकुआ के पास से नायब तहसीलदार अनिल कुमार और सीओ मनीष चंद्र ने अवैध खनिज से भरे 4 वाहनों को पकड़ा है, जबकि उनके चालक मौके से फरार हैं। टीम ने पकड़े गए वाहनों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सहारनपुर देवबंद पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों पर अंडी और पत्थर फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सरोज कुमार राय ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि थाना देवबंद पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों पर अंडे पत्थर फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 4 अभियुक्त अहमद, शैबान, शादिक अफसल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ इनके पास से कई तरह की चीजें बरामद की गई हैं। देवबंद पुलिस ने देवबंद फ्लाईओवर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया, और इन युवकों के पास से अंडे की क्रेट और एक कार बरामद हुई है। और लगातार पिछले 2-3 दिनों से गोपनीय रूप से ये देवबंद पुलिस के पास सूचना थी कि इस तरह से कुछ युवक ओवरब्रिज के ऊपर से कुछ धर्मस्थलों पर और कुछ निवास स्थानों पर, घरों पर अंडे फेंक रहे हैं,
और इस तरह की घटना की वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता है। तो उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए देवबंद पुलिस ने ट्रैप लगाकर इनको पकड़ा, इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। अब उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन 28 तारीख को गोरखपुर में होगा। इस दौरान वो महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में 4 बजे पहुंचेंगे। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के यशस्वी प्रबंधक और ख्यात स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बता दें कि प्रेम नारायण जी से योगी जी का विशेष लगाव था। इसी क्रम में उनके द्वारा महात्मा गांधी जी कॉलेज में स्थित नवीनीकृत राम गरीब लाल सभागार का भी लोकार्पण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 28 अगस्त को शाम 4 बजे हमारे दोनों परिसर में आ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमत दी है। पहला, हमारा पूर्व प्रबंधक प्रेम नारायण जी की मूर्ति का अनावरण, निर्मल प्रेम वाटिका का। दूसरा, हमारा जो 110 वर्ष पुराना हॉल था जो जीर्ण शीर्ण हो गया था उसका दोबारा पुनर्जीवन जो हम लोगों ने कराया है उसको लोकार्पित करेंगे वो पुनः। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सहारनपुर के कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर बैंक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। 18 अगस्त से चल रहे आंदोलन के क्रम में सहारनपुर में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन उत्तर प्रदेश की यूनिट सहारनपुर के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपती हुई नजर आई। केंद्रीय कार्यालय के आह्वान पर हम 5 लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं, जिससे जो हमारी 5 सूत्रीय कार्यक्रम मांग है वो पूरी होने के लिए केंद्रीय यूनिट की ओर से भिजवाया गया है, उसे हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। हमारी मांग है 2021 से हमारा जो वेतन रिवाइज पे स्केल रिवाइज होने हैं उनके संबंध में, 16 जिला सहकारी बैंक जो हमारे हैं उनका वेतनमान समान लागू होने के संबंध में, और 2012 से 17 की जो भी भर्ती हैं उन्हें कर्मचारियों को समान अधिकार देने के संबंध में। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के लिए वीब्रॉस अस्पताल के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य कैंप सरसवा ब्लॉक में लगाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कैंप में लगभग 170 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया। और लाइक ऐप में जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि कैंप का मुख्य मकसद लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि आयुष्मान कार्ड धारक प्राइवेट अस्पताल में नई टेक्नोलॉजी से अपना निःशुल्क इलाज करा सकें। आज ये कैंप हम लोगों का सरसावा ब्लॉक में लगा हुआ है और ये आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसके प्रमोशन के लिए लगा हुआ है। जिन लोगों के पास जो कार्ड हैं वो आकर जो है यहाँ पर अपने कार्ड चेक करा सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं और उनको कहाँ पर इसकी वजह से फ्री इलाज मिल सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए कैंप लगाया है। कितने लोगों का चेकअप किया? आज यहाँ पर सारी स्पेशलिटीज़ को मिलाकर तकरीबन 170 पेशेंट देखे गए, डिफरेंट स्पेशलिटी में, सर्जरी में, गायनी में, मेडिसिन के, ऑर्थो के, यूरो सर्जरी के, तकरीबन सारी स्पेशलिटी के मिला के अराउंड 170 पेशेंट देखे गए। इटावा में एम्बुलेंस और अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिफर मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। दिल्ली से दवा लेकर एम्बुलेंस में सवार होकर जौरान जा रहे थे सभी। थाना हुसार क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ।
हरदोई के बगौली थाना क्षेत्र के तिलकपुरवा गांव में किसान घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर लेटा सो रहा था। सुबह उसका शव चारपाई पर पड़ा देखा गया। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें 5 लोगों को हमला करते हुए गर्दन दबाते हुए देखा। शोर करने पर मौके से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी पंतनगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की सेवा अभी सप्ताह में एक दिन चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू कराने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था, पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था, अब इस सेवा को देहरादून पंतनगर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पवन हंस कंपनी का वो जो काफ़ी समय से यहां पर सेवाएं दे रही हैं उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और एज अ फर्स्ट पैसेंजर हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक ये काफ़ी अच्छी सुविधा है लोकल्स के लिए भी। तो एज अ पैसेंजर फर्स्ट पैसेंजर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने चौकी नारायणबगड़ में व्यापारियों और नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के निकारण हेतु एक गोष्ठी का आयोजन कर त्वरित समाधान के आश्वासन दिए। शुक्रवार को स्थानीय पुलिस चौकी में नशा, साइबर ठगी, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन, ट्रैफिक जाम, सोशल मीडिया के शिकार, चोरी समस्याओं ऐसे अपराधों को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के जन जागरण अभियान के तहत हुई गोष्ठी में व्यापारियों ने भविष्य में आपराधिक घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए भारी व्यक्तियों, फेरी वाले आदि संदिग्ध लोगों के सत्यापन कराए जाने, बाजार में हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।